हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो चंद्रिका देवी मंदिर के नाम से विख्यात है। भक्तों, चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर से उत्तर दिशा में करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कठवारा नामक स्थान पर गोमती नदी के तट पर बख्शी का तालाब नामक क्षेत्र में स्थित है। चंद्रिका देवी मंदिर पूरे भारतवर्ष के लोगों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ एक दर्शनीय स्थल भी है, जो यहां पहुंचने वाले भक्तों को भक्ति के साथ साथ अनुपम प्राकृतिक सुखों की अनुभूति करवाता है। भक्तों, यूं तो चंद्रिका देवी मंदिर में प्रत्येक मास की अमावस्या के साथ साथ सभी त्योहारों में बड़े धूमधाम से माता की विशेष पूजा अर्चना होती है और भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है, किंतु ग्रीष्म व शारदीय नवरात्रि के समय यहाँ भव्य और विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश से लाखों की संख्या में भक्तगण माता के दर्शन को पहुंचते हैं। इन 9 दिनों में पूरा मंदिर परिसर आसपास के जिलों से आए हुए शरणार्थियों और माँ के भक्तों से खचाखच भरा रहता है। भक्तों, माँ चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में दुकानें वर्ष भर सजी रहती हैं। इन दुकानों पर प्रायः लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। भक्तगण माता के दरबार के लिए प्रसाद, हार फूल, नारियल चुनरी, माता के लिए श्रृंगार, साज सज्जा की वस्तुएं व बच्चों के खेल खिलौने खरीदते हैं। यहाँ कुछ चाट पकौड़े, समोसे, गोलगप्पे, चाय, दही, लस्सी की दुकानें भी हैं, जहां लोग माता के दर्शन के बाद अपने परिवार के साथ बैठकर स्वल्पाहार, नाश्ता व पकवानों का आनंद लेते हैं। भक्तों, इस स्थान का कठवारा नाम होने के पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार सेना को कटक भी कहा जाता है। चूंकि इस क्षेत्र में पांडवों की सेना अर्थात कटक ने वास किया, जिसकी वजह से ये स्थान कटकवासा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वर्तमान काल में कठवारा के नाम से जाना जाता है। भक्तों, मां चंद्रिका का मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 7 बजे खुल जाता है और दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 से 2 बजे तक मंदिर बंद रहता है और 2 बजे के बाद रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए जब भी आप इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं, तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप चंद्रिका देवी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो मंदिर परिसर में एक धर्मशाला है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में कई मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप चंद्रिका देवी मंदिर कठवारा की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके चंद्रिका देवी मंदिर कठवारा पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप कठवारा पहुंचकर मां चंद्रिका देवी के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।